नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोशल मीडिया लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जैसी उम्मीद थी कुछ कुछ वैसा ही हुआ। सरकार ने अपने आखिरी बजट में पेश करते हुए एक लोक लुभावने बजट को पेश किया है, एक चुनावी बजट इसे माना जा रहा है। साथ ही इस चुनावी बजट के मद्देनजर सरकार ने 7 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में छूट देने की रियायत दी है। इस बजट में क्या कुछ है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्यों लोग असमंजस में हैं, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया, वो अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। और इस बजट में उन्होंने टैक्स रियायत देने की कोशिश की। 2024 में आम चुनाव है, उससे पहले कोशिश की जा रही थी सरकार की ओर से कि ऐसा कोई बजट पेश किया जाए जिससे 2024 का चुनाव भी साथ लिया जाए और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है, जो बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको छूट मिले और नौकरी पेशा वाले लोगों को छूट मिले। तो इसी कड़ी में न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियायत देने की कोशिश की। उन्होंने 7 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स में छूट दी है। इससे पहले ये छूट 5 लाख की आय वाले लोगों को थी, लेकिन अब 7 लाख की एनुअल इनकम जिनकी है उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि दरअसल ओल्ड टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम में फर्क क्या है, अंतर क्या है। अंतर ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स पेयर थे उन्हें इन्वेस्टमेंट में आसानी होती थी, वो किसी भी पीपीएफ में, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते थे और इसी के तहत वो टैक्स देने से बच जाते थे। और कहीं ना कहीं एटीसी फॉर्म भरना पड़ता था, एटीसी फॉर्म के तहत सरकार पर 1.5 लाख रुपए का एडिशनल भार बढ़ता है, खर्च बढ़ता है। लेकिन नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो टैक्स पेयर हैं वो पीपीएफ या फिर इन्वेस्टमेंट जैसी किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सरकार ने यह कहा कि दोनों टैक्स रिजीम में जुड़े रहने के उनके पास ऑप्शन है। अगर कोई टैक्स पेयर चाहता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जुड़ा रहे तो वो जुड़ा रह सकता है, ये उसकी खुद की मर्जी है। लेकिन नए टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में सबसे बड़ा फर्क यही है कि नए टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, उसके थ्रू डिडक्शन जो करने से आप बच जाते थे वो नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप अपना टैक्स बचा लेते थे वो उसकी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसमें छूट इतनी ही है कि सालाना अगर आपकी आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले ये स्लैब 5 लाख रुपए तक था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 0 से 3 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 3 से 6 लाख की आय वाले लोगों को 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख की आय वाले लोगों को 10% टैक्स चुकाना पड़ेगा और के साथ ही 9 से 12 लाख की आय वाले लोगों को 15% टैक्स देना होगा और 12 से 15 वालों को 20% देना होगा। वहीं 15 से अधिक वालों को 30% टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कितना क्या क्या छूट, कितने कितने हजार रुपए की छूट नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत बचाई जा सकती है। जो 6 से 9 लाख रुपए जिनकी सालाना आमदनी थी वो 60,000 रुपए उनका टैक्स लगता था, जो अब कम होकर 45,000 रुपए। सीधे सीधे इसका मतलब ये कि 15,000 रुपए आपके बच जाएंगे। वहीं 9 से 12 लाख की इनकम वाले लोगों को 1,15,000 टैक्स अदा करना पड़ता था, वही टैक्स अब 90,000 हो गया, जिसका मतलब है कि टैक्स पेयर को 25,000 रुपए अब कम अदा करने होंगे। इसके अलावा 12 से 15 लाख की आय जो सालाना आय है उसमें 87,500 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ता था, वो भी अब कम हो गया है। जो 1.5 लाख था, 1.5 लाख से कम होकर अब 37,000 रुपए, उसमें पहले 1.5 लाख था अब 87,500 हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 37,000 रुपए कम पे करने पड़ेंगे। तो टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ये फायदा टैक्स पेयर को पहुंचता है। ये सेम चीज हो गई है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जुड़े रहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि इन्वेस्टमेंट का, आप पीपीएफ में और कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहीं वहां पर भी आप पैसा अपना उतना ही अमाउंट सेव कर लेते हैं। और न्यू टैक्स रिजीम में भी यही है, क्योंकि आप किसी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी भी पीपीएफ या फिर कोई भी स्कीम में जुड़े नहीं रह सकते हैं, तो आप इस तरह टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम में बने रहकर ये अपना टैक्स इतना ही बचा सकते हैं। पढ़ना एक जैसा ही है, कन्फ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं है। बस इम्पोर्टेंट बात यही है कि सरकार ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं छूट की जो स्लैब है वो 2 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया, यानी कि 5 लाख से 7 लाख रुपए तक का ये स्लैब सालाना आय वालों के लिए कर दिया है। इसके अलावा विपक्ष हमलावर है, विपक्ष ने कहा है कि जो मिडिल क्लास उनके नौकरी पेशा वाले लोगों को सिर्फ टैक्स की एक लॉलीपॉप देकर सरकार ये सोचती है कि 2024 का चुनाव आसान हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का बजट उम्मीद की जा रही थी कि सरकार अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही है वैसा कुछ अलग से निकल कर आएगा, ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में बेरोजगार और महंगाई और गरीबी के ऊपर कोई बात नहीं की, गरीब अभी भी वंचित है क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती है, उनके लिए विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि डिंपल यादव ने कहा है कि जो गांव की जो आबादी है, ज्यादातर आबादी भारत में गांव में रहती है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि सरकार ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में लोगों को कंफ्यूज करके एक लॉलीपॉप दे रही है, इस बजट में कुछ नहीं है। जो मेन जो वर्ग है गरीब, उनके लिए कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर कोई बातचीत नहीं की है, स्वास्थ्य को भी अनदेखा किया गया है, इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आम जनता के भले के लिए हो। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख, उन्होंने भी कहा है कि इस बजट में जो मेन जरूरत थी रोजगार और महंगाई से बचने की, उस पर कोई भी बातचीत नहीं की गई है। साफ तौर पर विपक्ष का यह भी कहना है कि काफी टाइम से फ्यूल बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम में कोई रियायत नहीं दी गई। ओवरऑल मतलब ये कहा जा सकता है कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं वो काफी महंगी है। इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि सस्ता क्या क्या हुआ है। सस्ता मोबाइल फोन्स आपके सस्ते किए गए हैं, एलईडी सस्ता किया गया है, प्लास्टिक के सामान सस्ते किए गए हैं, ये सब वो चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ सस्ते किए गए, ये सब वो चीजें जो आज के बजट में सस्ती की गई है। लेकिन महंगी बहुत सारी चीजें गई हैं, जैसे किचन चिमनी महंगी की गई है, हीरे का आयात वो भी महंगा हो गया है, और प्लैटिनम महंगा किया गया है, काफी कुछ महंगा हुआ है। जो बेसिक जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं उन पर सरकार की तरफ से बजट तो, क्योंकि खुद अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, बहुत बड़ा स्लैब होता है, टैक्स तो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, उसमें रिडेम्पशन एक्सेम्पशन करना बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, वो उससे बहुत ज्यादा कोई आम जनता को मिलता है उसको बहुत ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ कन्फ्यूजन सा थोड़ा सा क्रिएट, जो मुझे समझ में आता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट करने की कोशिश की गई है ओल्ड और टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के बीच में। इसके अलावा रोजगार पर और स्वास्थ्य और खासतौर पर एजुकेशन के ऊपर भी विपक्ष की ओर से हमला किया जा रहा है कि उस पर कोई बातचीत नहीं की गई। हालांकि सरकार इस टैक्स की सराहना कर रही है, इसे अमृतकाल का एक भावना और बहुत ही मजबूत बजट इसे बता रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, एक ही मौका था मोदी सरकार के पास कि ऐसा कुछ बजट पेश करे जिससे आगे के आने वाले साल में भी उन्हें फायदा पहुंचे और पूर्ण रूप से फायदा पहुंचे। तो यही है आज के टैक्स में, ज्यादा कुछ मिला नहीं है पुराने रिजीम में वालों को। अब एक और चीज ये है, अच्छा ऑप्शन ये है कि ये टैक्स पेयर के ऊपर है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में एंटर कर सकते हैं। पहले ये होता था अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना होता है तो एक फॉर्म भरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है उनको एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद वो स्टे उसी में स्टे कर सकते हैं। तो यही है, और कुछ ज्यादा इस तरफ बजट में खास कुछ निकल कर नहीं आ रहा है कि बहुत जिस तरह का बताया जा रहा है कि नौकरी पेशा वालों को इतना फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि टैक्स के स्लैब में छूट दे देना एक अलग बात है, लेकिन मिडिल क्लास की आम जनता की आय में कोई वृद्धि नहीं है। वही बात है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यूं तो बात अलग है कि केंद्र सरकार ने अपने आखिरी बजट में अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि ये बजट देश की आम जनता का बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें छूटती नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस बजट के अनाउंसमेंट होते ही सेंसेक्स में काफी
बड़ी उछाल आई थी, लेकिन उसको कुछ देर बाद ही सेंसेक्स काफी ज्यादा लुढ़क भी गया था। अब ये देखना होगा कि इस टैक्स से जनता को फायदा कितना पहुंचता है, या फिर फायदा पूर्ण रूप से सरकार को अगले साल के चुनाव में पहुंचता है। ये बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी, आप लोग डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से मैं काफी पॉइंट्स क्लियर कर चुकी हूँ कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है और आपको किस में बने रहना चाहिए, ये आपकी चॉइस होगी। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मेन डिफरेंस यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते थे, वो न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत नहीं होगा। अगर आपकी एनुअल इनकम, आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स में रियायत मिल जाएगी, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सवाल या फिर किसी मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, और आज के बजट को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन, मुझे आप बता सकते हैं। कल मैं फिर मिलूंगी इसी वक्त, तब तक के लिए।